पार्क करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके सामने एक और की गाड़ी थी, तो इतने में करीबन एक मिनट हो गया था मेरी गाड़ी को पीछे से एक, मैंने उसको हॉर्न भी नहीं मारा क्योंकि मुझे दिख रहा था अभी वो कोशिश कर रहा है आगे की गाड़ी, गाड़ियाँ जो है आगे पीछे होती है पार्क करना पड़ता है। तभी एक महोदय जो है बिल्कुल वर्दी में पुलिस की यूनिफॉर्म में आए, मेरी गाड़ी को पहले जोर से मुक्का मारा और सीधे आगे चले गए बस ड्राइवर के और टैक्सी वाले के पास, और अपशब्द निकाल के बहुत बुरी तरह दुर्व्यवहार करके उन्होंने वापस आए। उसी दिन में गाड़ियाँ भी उनकी क्लियर हो गई थी, और आते ही मुझे भी बोला कि बड़े इल मैनर बोल सकते हैं कि आप आगे गाड़ी करिए। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि यार आप जो है भाई साहब एक ऑफिसर हैं, आप अपशब्द ना प्रयोग करें ना पब्लिक के साथ, ठीक नहीं है। मेरे को पता है कि वो मेरे को नहीं पहचानते थे और मैंने बताया भी नहीं, तो अधिकतर गाड़ी मैं खुद ही चलाता हूँ साथ में सभी देखते हैं, उनको ये भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। तो पर मैं उतरा ज़रूर और ये ज़रूर बोला कि अगर ऐसे ही दुर्व्यवहार रहेगा आपका तो मैं आपके ऑफिसर से कंप्लेंट करूँगा। तो उन्होंने यही बोला कि आप जिस मर्जी की कंप्लेंट करें, ऑफिसर को करें या जिस मर्जी को करें। तो उतनी देर में दो तीन पुलिसकर्मी और जो चौकी में थे या शायद उनके साथ थे और जनरल पब्लिक जिसको टैक्सी वाले और लोग आए वो सभी पहचानते थे जानते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा आप छोड़िए उनको छोड़िए। तो मैंने बोला ये शराब पी गई इसमें, शराब पी कैसे बदसलूकी लोगों के साथ कर रहा है, हमारे साथ कर रहा है, तो दिस वुड नॉट डन। उसी टाइम मैंने डी डी वाई एस पी बालीगंज क्षेत्र में उनके पास कमल जी उनको फ़ोन किया 11:30 बजे, उन्होंने ये प्रॉम्प्ट उठाया और पर उनके ध्यान थोड़ा था घर पिताजी का और उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल तुरंत एक्शन लेके मेरी जानकारी ली हम कहाँ हैं कौन आदमी हैं और उस पर इमिजिएटली कार्रवाई करी। और इतने में इन महोदय का सब इंस्पेक्टर का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है इस दौरान भी, आप जिस मर्जी को फोन करें। तो मैं गाड़ी में बैठा और चले गया। 23 तारीख को हम लोग माननीय आनंद शर्मा जी का, सुरेश भारद्वाज जी का इकट्ठा कार्यक्रम था और हमारे मंत्री सरवीण चौधरी जी का, हमारे क्षेत्रों में कार्यक्रम थे, थोड़े हम बिजी रहे। तो शाम को मैंने एसपी महोदय से बात करी, उन्होंने बिल्कुल तुरंत एक्शन लेते हुए यह मेरे को बोला कि सर मैं आप क्या चाहते हैं कंप्लेंट कर सकते हैं, आप आ जाओ कंप्लेंट करो। तो क्योंकि 24 तारीख को भी हमारे प्रोग्राम था आनंद शर्मा जी का, तो 25 तारीख का दिन जो है उनके साथ मुकर्र हुआ और इन सभी इंस्पेक्टर को भी बुलाया, उनके सामने पूरी बातचीत हमने भी अपनी पूरी बातचीत रखी और उनसे भी उनका पक्ष जो है एसपी महोदय के सामने लिया और मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट जो है उनको दी। और आज सुबह भी मैंने डीजीपी साहब से बात करी और कल शाम को ही आदरणीय हमारे जो स्पीकर हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको भी हमने प्रिविलेज मोशन के तहत अंडर रूल 75-76 उनको जो हमने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई करी और मैं धन्यवाद करना, और आज जो है हाउस में चर्चा घर सुबह लगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और डीजीपी साहब का और एसपी महोदय का शिमला का, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए क्योंकि उन्होंने बोला कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूसेंस, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी पुलिस महकमे का, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो किसी भी लेवल का, और उन्हें तुरंत एक्शन लेते हुए पवन बनियाल जी को सस्पेंड किया है और लाइन हाजिर किया और इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करी है और हम लोग भी विधानसभा के थ्रू जो कमेटी है उसके थ्रू जो है इंक्वायरी जो है। आपकी जो बातचीत हुई है क्या पक्ष जो है पुलिसकर्मी ने रखा है? देखिए पुलिसकर्मी ने एसपी महोदय के सामने रखा कि ऐसी घटना तो ज़रूर हुई थी और उन्होंने बिल्कुल माना है कि ऐसी घटना हुई थी, गाड़ी को हाथ भी लगा था और मेरे को धक्का भी उन्होंने हल्का मारा ये ज़रूर बोला, लेकिन साथ और बस और टैक्सी ड्राइवर से भी बदसलूकी हल्की फुल्की करी उन्होंने, ये उन्होंने माना है। पर साथ में ये भी बोला कि मेरी ड्यूटी कहीं थी और मैं बहुत टेंशन में था इसलिए ये पक्ष रखा है कि मैं बहुत टेंशन में था इसलिए मेरे से हो गया। मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई टेंशन है, टेंशन आज की डेट में दुनिया में सबको है, आपको भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राह चलते आदमियों को जो है दुर्व्यवहार करें, उनको अपशब्द बोलें, यही बोलें शालीनता से काम करें। पुलिस हम लोगों की रक्षा के लिए है, कानून हम लोगों की रक्षा, आम जनता की रक्षा के लिए बना है, उसको जो उसका जो दुरुपयोग ना करें सदुपयोग करें। सर एक टूरिस्ट स्टेट है हिमाचल, ऐसे में पुलिस कर्मियों का व्यवहार जो है काफ़ी मायने रखता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कोई स्टेट है लोग बाहर से आते हैं तो इस तरह का व्यवहार ना हो किस तरीके से? सर साथ में ये है कि आप विधायक आपके साथ हो, आम जनता के साथ भी ऐसी घटनाएं होती है, चाहे स्थानीय चाहे टूरिस्ट।
देखिए, जहाँ टूरिस्ट की बात करिए, मैंने एसपी महोदय से भी बात करी है, हमारी टूरिस्ट स्टेट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है वो टूरिज्म बहुत क्षेत्र है, या सेब की कमाई हो सकती है या टूरिज्म से कमाई हो सकती है। और मैंने देखा है अक्सर के हिमाचल हमारी गाड़ियाँ जाने देते हैं, टूरिस्ट को बेचारे को रोक लेते हैं। मैंने रिक्वेस्ट उनसे करी है कि जो पूरी लीनियंसी बरती जाए, हाँ अगर कोई न्यूसेंस, कोई बाहर से आके कोई हमारे स्टेट में न्यूसेंस करे उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लो, ज़रूर एक्शन लो, पर बेवजह जो है कोई गाड़ी आ रही है उसको खड़ी ना करें, टूरिस्ट को तंग ना करें, ताकि वो थोड़ा फ्री होके स्टेट में हमारी घूम सके। डर जो है पुलिस का डर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पुलिस तंग करती है, ये एक मैसेज नहीं जाना चाहिए। और एसपी महोदय ने भी बिल्कुल इसका संज्ञान लिया है और बिल्कुल बोला है कि हम इस बात को चेक करेंगे। और जहाँ तक विधायक की अभी आपने बात की, विधायक देखो, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ MLA, मिनिस्टर, CM और एन ऑफिसर, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आम जनता, हम लोग भी आम जनता है, लोगों ने हमारे को चुनके भेजे, हम लोग भी साधारण परिवारों से आते हैं और नीचे से स्क्रैच से उठे, सभी की बात करूँ, ऐसा नहीं कि कोई विधायक पैदा होते विधायक बन गए, इसमें भी मेहनत लगी है और एक दूसरों का दुख दर्द समझ के वो आगे, हम लोग भी आगे बढ़े, उन्हीं के बीच में रह के जो है सीखा है। मैं बोलता हूँ कि चाहे विधायक हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे आम जनता हो, सबको एक बराबर ट्रीट करना चाहिए। और अगर कोई गलत करे, चाहे वो हम भी अगर कुछ गलत करें तो हमारे भी कोई रिएक्शन हो, इसमें कोई बड़ी बात या बुरा मानने वाली बात नहीं, कि हम मैं नहीं होनी चाहिए, कानून सबके लिए और एक ही रहना चाहिए। अनुज जी, आपको नहीं लगता कि पुलिस को व्यवहार बदलने की आवश्यकता है? कई जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है आम लोगों के साथ या टूरिस्टों के साथ, जो है पुलिस की भिड़ंत होती रहती है, क्या लग रहा है कि पुलिस में कुछ इस तरह का या तो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह का व्यवहार ना करें? देखिए, प्रशिक्षण तो और प्रशिक्षण और जो गाइडेंस हो सकता है ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर समय समय पर देते रहते हैं, है ना। पर आजकल क्या है कि, और सारे ऐसे नहीं हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पिछले 30 साल से डील कर रहे हैं और आज वो कुछ ऑफिसर्स जो है कांस्टेबल से लेकर वो DSP बन गए हैं, आज कोई SP, DIG तक, IG तक पहुँच गए। सारे ऐसे नहीं हैं, लोग मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं, पर जिसको बोलते हैं कि 1% 1.5% लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है। तो मेरा तो यही संदेश है सभी से कि जिसको बोलते हैं कि सीट का गरूर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप विधानसभा में MLA मिनिस्टर हो, चाहे वो आप उच्च अधिकारी हैं, चाहे IAS हैं, IPS है, HS है, या क्लर्क हैं, या पुलिस की वर्दी पहननी है, तो आप ये नहीं कि सब कुछ कर सकते। आम जनता को उनका दुख दर्द समझ के कोई भी सीट हो उस तरह आपको चलना चाहिए। ठीक है।